ये चेक करो लोग हैं जितने भी हैं अभी लोकल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मैक्सिमम दिल्ली और पंजाब की गाड़ी लगी है। भैया कपल कॉल इधर भी स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, और कैसी है अपनी फैमिली, तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड गोकुल भाई की गाड़ी से, साथ में बैठे गोकुल भाई, क्या हाल है? तो फिलहाल गाइस अभी का सीन ऐसा है भाई, हमने सुना है जंबो जू की ओपनिंग है, ओपनिंग हो गई है कल की, तो आज वहाँ पे बंदे जा सकते हैं देखने के लिए। तो फिलहाल मेरा और गोकुल भाई का प्लान बना है वहाँ पे जाने का। तो फिलहाल गाइस निकल रहे हैं अभी कॉलेज से सीधे जंबो जू के लिए, उससे पहले गोकुल भाई ने कुछ सामान खरीदना है, तो चलते हैं बेस्ट प्राइस लेते हैं वहाँ से कुछ सामान और फिर निकलते हैं जंबो जू। और आज हम आपको करवाने वाले हैं जंबो जू का पूरा टूर, कैसा बना हुआ है, न्यू जू है भाई, सुनने में आया एशिया का सबसे बड़ा जू है, तो देखते हैं क्या सिस्टम है, आप सब कुछ ब्लॉग में देख लेना। सो गाइस गाड़ी हमने पार्क कर लिया, हम पहुंच चुके हैं बेस्ट प्राइस, तो फिलहाल साथ में चल रहे हैं गोकुल भाई, चलते हैं अंदर देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या खरीदेंगे अंदर से। बाकी कुछ मेन तो खरीदना नहीं भाई, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो बाकी गोकुल भाई जा रहे हैं हम यहाँ से अंदर, देखते हैं भाई यहाँ से इनकी एंट्री, चलते हैं भाई। सो भाई हम आ चुके हैं अभी बेस्ट प्राइस के अंदर और साथ में चल रहे हैं गोकुल भाई। गोकुल भाई आज बहुत सामान खरीदने वाले हो, दो चिप्स लेने, तो ये इतना बड़ा ट्रॉले? अच्छा भाई आप चेक कर लो भाई, गूगल भाई ने थोड़ा सा सामान लेना, ट्रॉली ऐसे ली हुई है, और क्या आप चेक कर सकते हो यार क्या मस्त है। सो गाइस यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक, लेकिन गोकुल भाई हमारे हैवी ड्राइवर हैं, गोकुल भाई ने यहाँ से गाड़ी निकाल दी है। या भाई जा रहे हैं अभी यहाँ से अंदर, देखते हैं भाई गोकुल भाई कहाँ पे जाएंगे। गोकुल भाई कहाँ से, कौन से उसमें जाना है हमने? चॉकलेट लेने, बड़े चॉकलेट खाते हो यार, चॉकलेट बन गए भाई खा खा के। अभी देख रहे हैं क्या लेना है खाने के लिए भाई, देखते ही जा रहे हैं। ओह भाई मिल गया किटकैट, उठाने लग गए भाई, थोड़ा कम कम ही लेना, देख लो भाई, भाई को पूरी चीज़ें पता है क्या क्या चीज़ है, क्या क्या छोटा पैक, देख लो भाई पूछ लो किसी को जो यहाँ पे होते हैं भाई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे लगी मुझे इनका ये फ़ैन भाई, देखो कितना बड़ा फ़ैन है यार। सो गाइस बेस्ट प्राइस से तो निकल चुके हैं बाहर, और अभी चल रहे हैं, चलते हैं देखते हैं जंबो जू ही जाएंगे भाई, कुछ खाएंगे पहले फिर जाएंगे यहाँ से, रास्ते से कुछ और भी ले लेंगे खाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जंबो जू, और भाई यहाँ पे आपको इनसाइड पार्किंग वगैरह मिलेगी। बाकी भाई आज क्राउड ना बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो फिलहाल चलते गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हमारे भाई, जो ये भैया है भाई गाड़ी का नंबर वगैरह नोट कर रहे हैं, तो जो ये बताएंगे। हाँ जी भैया, 30 रुपीज़ पार्किंग। तो भाई यहाँ का प्राइस इसका 30 रुपीज़ है पार्किंग का, कितनी देर तक हम यहाँ पे पार्क कर सकते हैं गाड़ी सर? आप जितनी देर तक करोगे। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल चलते गाइस यहाँ पे, भैया 30 था ना जी, 30 रुपीज़ था, नहीं आपको 40 ना, 4 व्हीलर का। अच्छा 4 व्हीलर का 40 है, हाँ। भाई 4 व्हीलर का 40 रुपीज़ है। तो बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई क्राउड कितना ज़्यादा है, ये आप चेक कर सकते हो भाई। भाई हाँ भाई, चारों टायर के ना 10-10 रुपये हैं, ये देख लो भाई। अब देखते हैं कहीं भी पार्किंग लगाते हैं भाई गाड़ी वहाँ पे, कहाँ पे लगाए गोकुल, कहाँ पे लगाएं भाई? चलते हैं भाई पीछे बैक साइड में लगाते हैं भाई हम वहाँ पे गाड़ी। बाकी भाई आज भीड़ यहाँ पे ना बहुत होने वाली है। बाकी भाई यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पेंटिंग्स वगैरह भी बनी हुई है। हाँ जी गोकुल भाई क्या बोल रहे हो? सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं जंबो जू एक्सप्लोर करने के लिए विद गोकुल भाई के साथ। इस टाइम आप चेक कर सकते हो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड जंबो जू के अंदर से, ये चेक कर लो भाई, कल इस जू का उद्घाटन हुआ है, और आज गोकुल भाई ने मुझे कॉलेज में बोला जीवन भाई चलते, तो मैं भाई चलो हम भी फ्री थे तो भाई चल बढ़ते हैं। तो फिलहाल देखते हैं भाई यहाँ पे जो भी फैसिलिटी वगैरह है, भाई सुनने में आया था कोई बैटरी वाली कार्स हैं उनमें आपको लेंगे, उसमें आपको घुमाएंगे, तो भाई जो भी है देखते हैं भाई क्या रहता है आगे का। तो फिलहाल कुछ भी भाई यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, कुछ भी रहेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल चलते हैं इस साइड, बोल रहे कोई बैटरी वाली कार वगैरह जो भी सुविधा है वो आप सब कुछ देख सकते हो इसमें भाई। वहाँ पर आप चेक कर सकते हो लड़ाई होगी है भाई, टिकट्स के चक्कर में भाई कुछ ना कुछ लड़ाई होगी, देखते हैं अब क्या सीन है।
सुबह यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ये फ्री है ये फ्री है आप ले रहे हो, पर्ची के पैसे आप ले रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। तो भाई जू के ना स्टार्टिंग में स्कैम होने स्टार्ट हो गया हुआ है, कहने का भाई कुछ कह रहे हैं कि भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है। अरे 1200 रुपए ले लिया ठीक है गाड़ी का, और ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ से हमको पैदल आना, पैदल जाना है तो 1200 रुपए पैदल के देने, तो हमने पैदल ही चले जाते हैं, ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। तो भाई ये हालत है ना हमारे जम्मू कश्मीर की, भाई देखो कितने बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, भाई यहाँ पे आके उनके साथ तो लूट जाएंगे, तो हम लोकल हैं अभी यहाँ के। भाई आप चेक कर सकते हो भाई यहाँ के लोग क्या पता क्या है, उनको बुला दो भैया आप यार। जब सारा फ्री है पैसे ले रहे हैं तो सर्विस भी देना, आप पैसे वापस करो यार, पहले पैसे वापस करो। आओ जनाब हमारे पैदल चल के आ रहे हैं, भैया आप चेक कर लो यहाँ पे क्या हालत है, क्रेजी सीन हो गया भाई यहाँ पे आके, लड़ाई होने स्टार्ट होगी भाई। अंकल हम यूट्यूब पे ब्लॉगर ब्लॉगर हम यूट्यूब पे भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई गवर्नमेंट का कहना है कि भाई एक महीने के लिए जू फ्री है, लेकिन उसके लिए भी आपको अगर बैटरी कार के चार्जेस 200 रुपीज पर पर्सन पड़ रहे हैं, तो फिर भी भाई ये लोग इतने खज्जल हो रहे हैं यहाँ पे आके, तो भाई इन बंदों को ना भाई टिकट वगैरह लेके इनको बैटरी कार ही नहीं मिल रही है। तो भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर हमारा कोई ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है जम्मू की, तो प्लीज़ भाई पहले आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं भाई उनको क्लियर किया करो, उसके बाद भाई किसी चीज़ की ओपनिंग किया करो, ताकि भाई बाहर के जितने भी आने वाले यहाँ पे जो माँ वैष्णो देवी जाके यात्री जो वापस आए वो यहाँ पे जम्मू जू देखने के लिए आए, तो भाई उनको देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है भाई। आप इससे हमारा जम्मू क्या डेवलप होगा। हाँ गूगल भाई क्या बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, बाहर के लोग हैं जितने भी हैं, अभी लोकल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मैक्सिमम दिल्ली और पंजाब की गाड़ी लगी है भाई, दिल्ली पंजाब यूपी अदर स्टेट्स के लोग हैं, हमारे लोकल नहीं है यहाँ पे, अदर स्टेट्स की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है भाई, लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ गई है ना बेचारे छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं लोगों ने। सो गाइस ये है इनकी बैटरी वाली कार, जी आप चेक कर सकते हो भाई, इस पे बैठा के लेते हैं, ये घुमा के लेके आ जाते हैं जी, चेक कर लो भाई बैटरी वाली कार यहाँ पे लगी हुई है। सो गाइस आप यहाँ पे साइकिल्स वगैरह भी ले सकते हो वहाँ से रेंट पे, आप साइकिल पे भी जू को एक्सप्लोर कर सकते हो, ये यहाँ पे साइकिल लगे हुए हैं ये आप चेक कर लो। बाकी ये भाई बैटरी वाली कार ये चार्जिंग होने के लिए यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है इसको भी चार्ज कर रहे हैं, तो बाकी वहाँ पे साइकिल्स में देखते हैं अब क्या रहता है सीन। अभी क्या बोल रहे हो गूगल भाई, भाई 2.5 किलोमीटर ना पैदल चलना है, उसके बाद वापिस आ सकते, तो भाई पैदल तो हम इतना चलेंगे नहीं क्योंकि बैटरी कार भाई। फिलहाल जितना भी आपको बताया जा रहा है डिस्प्लेज में कि ये जानवर यहाँ पे, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि भाई अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो भी मांडा जू के जानवर है भाई उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है, क्रोकोडाइल लाइन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली जिम ये खाली है जो भी है तो भाई यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो सो प्लीज अभी आप नहीं आओ, कृपा करके एक हफ्ते के बाद आना स्टार्ट करो। आगे ये आपको ना आगे किसी को बताते हैं, आगे पैसे अभी देखते हैं, आगे भाई पैसे मिल गए हमें, हमें पैसे मिल गए भाई कुछ खा लेंगे भाई देखते हैं यार। तो गाइज फिलहाल हमने सोचा थोड़ा सा चलते हैं भाई, बैटरी कार तो कुछ मिला नहीं जी। हाँ भैया कपल गोल इधर भी स्टार्ट हो गया है, नहीं भाई कुछ भी नहीं है, हम ऐसे बोलते रहते हैं। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, बो रहे हैं सांप वाला जहाँ पे स्नैक्स रखेंगे वो थोड़ा सा पास में, तो सर चलते भाई। ये देखो इधर लिखा है जम्बू डक्की भाई, डक्की हाँ भाई डक्की तो ठीक है भाई, डिज़ाइन भी सही है, पर भाई क्या फ़ायदा है, लोग खजल हो रहे भाई आके यार,
तो फिलहाल चल रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पे स्नैक्स वो देखते हैं, आपको दिखाते, फिर आते हैं वापस फिर कभी दो तीन दिन के बाद, यहाँ एक दो हफ्ते के बाद दोबारा आएंगे जब यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। भाई ये है स्नैक चैम्बर, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे खाली। भाई ये था पास में, हमने सोचा चलो यहीं चल जाते कुछ देखते। भाई डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है, लेकिन भाई क्या फ़ायदा यार, फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे एक ही सांप है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखो। तो भाई इस वाले चैम्बर में दो सांप है, एक ये पार आप देखो भाई, दूसरा यहाँ पे चल रहा है, ये चेक करो। क्या भाई ये सो गाइस, इस वाले चैम्बर में ना इंडियन कोबरा, ये देखो ये अपनी स्किन छोड़ रहा है, ये चेक करो। और भाई दूसरा है ये यहाँ पे बैठा हुआ है, एक को पीछे लास्ट कॉर्नर में बैठा हुआ है भाई। भाई यहाँ पे ना कुछ भी नहीं था, पागल बन के हम वापिस जा रहे, तुम भी आओ भाई पागल बन के वापिस आओ। सब पागल बन के घट गया भाई, घुट गया भाई, कुछ भी नहीं है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, बैटरी कार नहीं है, और अभी सब जानवर भी नहीं है। चार यार, चार दो जान दो मान, जानवर भी नहीं है भाई यहाँ पे यार, इतने से सांप रखे हुए। चलते भाई वापिस गए। इस दुनिया में ना भाई हर आदमी दुबला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दुबला, बस यही है, अपने काम से काम रखो भाई, किसी के काम पे ना ध्यान मत दो भाई, हर एक बंदा दुबला है, बिना माँ बाप के भाई कोई आपका अपना नहीं है भाई, इससे अच्छा भाई अपने काम से काम रखो, कोई जो करे भाई उसको करने दो, बस यही बोलना चाहूँगा भाई यार।